देखो मैंने कुछ वोकैबुलरीज यहाँ पे लिखे हैं और ये सारे के सारे वोकैबुलरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या उनके लिए भी जिन्हें अपनी अंग्रेजी बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल आता हूँ, क्लास बिल्कुल शुरू करता हूँ। पहला जो वर्ड है वो क्या है, वैगनेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है घुमंतू। घुमंतू का क्या मतलब हुआ? जॉबलेस, जो जॉबलेस है और वो होमलेस भी है ना, जो जॉबलेस होमलेस है उसको हम कहते हैं घुमंतू। ठीक है, इसको हम कहें है ना, आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, ठीक है, मेनी पीपल बिकेम वैगरेंट। बहुत सारे लोग जॉबलेस और होमलेस हो गए, घुमंतू। आफ्टर कोरोना पैंडेमिक मेनी पीपल बिकेम वैगरेंट, वे लोग क्या हो गए? घुमंतू हो गए, यानी घुमंतू हो गए, जॉबलेस होमलेस हो गए। रिपंडेंट, जिसे हम लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है, माने उसको अंग्रेजी में हम कहें स्ट्रॉन्गली डिसलाइक्ड, स्ट्रॉन्गली डिसलाइक्ड, मतलब घृणा, घृणास्पद, घृणास्पद मतलब घृणा, घृणित, घृणित इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गली डिसलाइक्ड, है ना, मेरी बात को ध्यान से समझना, स्ट्रॉन्गली। या मैं बोलूं कि whatever you have said is absolutely repugnant, जो कुछ आपने कहा है पूर्ण रूप से घृणास्पद है, मतलब क्या है वो, strongly dislike है, यानी वो गलत चीज है। Whatever you have said is absolutely repugnant. ठीक है, वो चीजें जो है कि बिल्कुल घृणास्पद है ना। Broken reed, broken reed का मतलब होता है, broken reed का मतलब होता है, I mean एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है, यानी unreliable person means अविश्वसनीय व्यक्ति जिस पे आप विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वसनीय व्यक्ति को आप क्या कहते हैं, अविश्वसनीय व्यक्ति को ब्रोकन रीड कहते हैं, अविश्वसनीय, जिसका विश्वास नहीं कर सकते। जैसे हम बोले या I cannot trust him because he is a broken reed, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह एक अविश्वसनीय व्यक्ति है, वो क्या है, एक ब्रोकन रीड है। आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ ब्रोकन रीड, वह जो है कि एक मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास कर ही नहीं सकते, अविश्वसनीय व्यक्ति, यानी उसको हम कहें कि मतलब ऐसा कि वो कोई विश्वास जो है वो मतलब विश्वास को कभी हो ही नहीं सकता उस पर, ठीक है, वो विश्वास होल्ड ही नहीं कर सकता किसी का। अब है पैनोरामिक, पैनोरामिक का मतलब क्या होता है, पैनोरामिक का मतलब होता है, यहां पे देखो है ना, पैनोरामिक इसका मतलब होता है मनोरम, मनोरम मीन्स क्या होता है, मनोरम उसको हम कहते हैं जो अच्छा होता है, स्मार्ट होता है, सुंदर होता है, उसको हम मनोरम कहते हैं, ठीक है। या जैसे हम बोले The valley of Kashmir is full of, है ना, panoramic
सिंस द वैली ऑफ कश्मीर इज फुल ऑफ पैनोरामिक सिंस, यानी मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है कश्मीर की जो वादी है, घाटी है। द वैली ऑफ कश्मीर इज फुल ऑफ पैनोरामिक सिंस, वो क्या भरा हुआ है, वो बिल्कुल मनोरम दृश्यों से भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस का मतलब क्या होता है? एक्रीमोनियस का मतलब होता है फुल ऑफ बिटरनेस, यानी एक्रीमोनियस का मतलब होता है फुल ऑफ बिटरनेस। फुल ऑफ बिटरनेस का मतलब क्या हो? फुल ऑफ बिटरनेस का मतलब करवाहट भरा हुआ, यानी करवाहट पूर्ण का मतलब क्या हुआ, यानी करवाहट से भरा हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? एक्रीमोनियस, है ना, करवाहट पूर्ण। जैसे एक्रीमोनियस डिवोर्स होता है, बड़ा करवाहट पूर्ण डिवोर्स हुआ उसका, है ना, हम बोल सकते हैं इट वॉज एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। यह जो था वो एक मतलब करवाहट पूर्ण डिवोर्स, यानी है ना, इट वॉज एन एक्रीमोनियस डिवोर्स, यह एक करवाहट पूर्ण, है ना, फुल ऑफ बिटरनेस, इट वॉज एन एक्रीमोनियस डिवोर्स, ये जो था वो करवाहट पूर्ण डिवोर्स था। अनफैदमेबल, अनफैदमेबल का मतलब होता है अगाध, यानी असीम जिसको हम कहते हैं, है ना, जो मतलब बिल्कुल, जैसे अनफैदमेबल लव होता है, ये सब चीज को सीखो, है ना, अनफैदमेबल, ठीक है, अनफैदमेबल। कुछ लोग इसको अनफैदमेबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अनफैदमेबल पढ़ो तुम। अनफैदमेबल का मतलब होता है अथाह, अथाह मतलब असीम, है ना, अनफैदमेबल, है ना। वी हैव अनफैदमेबल, वी हैव अनफैदमेबल लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फ्रीडम फाइटर्स। देखो यहां पर फ्रीडम फाइटर्स, वी हैव अनफैदमेबल लव एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स आवर फ्रीडम फाइटर्स। हमारे पास क्या है, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके फाइटर लिखा हुआ है फाइटर्स, उनके प्रति जो है कि बहुत ही अथाह लव एंड रिस्पेक्ट है। अब है फार रीचिंग, यानी फार रीचिंग का मतलब दूरगामी, फार रीचिंग का मतलब क्या होता है, दूरगामी। देखो यहां पे फार रीचिंग का मतलब क्या हुआ, दूरगामी जिसको ना दूरगामी परिणाम, ठीक है, फार रीचिंग, ठीक है, हम बोले या फार रीचिंग दूरगामी परिणाम। वी कैन सी, देखना है यहां पर, वी कैन सी अ फार रीचिंग, वी कैन सी अ फार रीचिंग, वी कैन सी फार रीचिंग इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस। देखो वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण का जो है कि हम लोग, वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि हमें पुलर में लिखना था इसलिए मैंने यहां पे से ए हटा दिया, ठीक है ना, तो वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, परिणाम। देखो यहां पे परिणाम है ना, परिणाम हमने लिखा है, वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, यानी हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोग प्राइवेटाइजेशन के दूरगामी परिणाम को देख सकते हैं। वी कैन सी फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इन आवर सोसाइटी कर दो, इन आवर कंट्री कर दो, इन आवर कंट्री, हम अपने देश में मतलब इसके जो दूरगामी परिणाम को हम देख सकते हैं।
है ना। आगे है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? इनऑर्डिनेट अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है अत्यधिक। इनऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? अत्यधिक। अब जरा चीजों को समझना। इनऑर्डिनेट, 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 इनऑर्डिनेट का मतलब होता है, जब हम इनऑर्डिनेट की बात करते हैं इसका मतलब होता है अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। जैसे हम बोले मतलब अत्यधिक, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक मतलब अत्यधिक से भी अत्यधिक, बहुत ज्यादा। इनऑर्डिनेट अमाउंट, जैसे हम बोले द गवर्नमेंट हैज स्पेंट एंड इनऑर्डिनेट, एंड इनऑर्डिनेट amount of money, the government has spent an inordinate amount of money on, है ना, on the development, on basic infrastructure, basic infrastructure, infrastructure, basic infrastructures, infrastructures। देखो यहां the government has spent an inordinate amount of money on basic infrastructures। basic infrastructures पे सरकार ने बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, बहुत सारे में अत्यधिक, बहुत ज्यादा पैसा, बेशुमार, जिसको कहते हैं अत्यधिक, मतलब यहां पे बेशुमार, बेशुमार, countless, बेशुमार, बेशुमार, इस चीज को समझो, बहुत धन्यवाद। insidious, insidious कहते हैं छुपे हुए, insidious, है ना, insidious, insidious मतलब छुपा हुआ, insidious, छुपा हुआ, छुपा हुआ। हम बोले the government needs to, है ना, needs to identify the insidious, the government needs to identify the insidious enemies of the country, enemies of the country, यानी जो देश के, देखो ये जो देश के जो है ना, the government needs to identify the insidious enemies of the country, यानी जो सरकार को क्या करने की जरूरत है, पहचान करने की जरूरत है, आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, किसको, द इनसीडियस इनिमीज ऑफ द कंट्री, देश के दुश्मनों को, जो आंतरिक जो दुश्मन है, इनसीडियस, जो छुपे हुए, इसको हम क्या कहते हैं, छुपा हुआ। द गवर्नमेंट नीड्स टू आइडेंटिफाई द इनसीडियस इनिमीज ऑफ द कंट्री, सरकार को क्या करने की जरूरत है, जो इनसीडियस है, छुपे हुए जो दुश्मन है देश के, उनको जो है कि आइडेंटिफाई करने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। सिडक्टिव, सिडक्टिव कहते हैं, देखो ये थोड़ा सा इसको समझना तुम लोग, सिडक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, है ना, इस चीज को समझना। सिडक्टिव, सिडक्टिव का मतलब अगर हम कहते हैं तो इसका मतलब होता है कि ऐसा हो कि मतलब जिसको हम बोलते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, है ना, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा आकर्षक। लेकिन इसको मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेडक्टिव का मतलब होता है सेक्सुअली अट्रैक्टिव, इसका मेनली ये मतलब होता है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेडक्टिव का ये मतलब होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा आकर्षक। जैसे सेडक्टिव स्माइल, सेडक्टिव फेस, किसी का स्माइल बहुत ज्यादा, मतलब अगर तुम सेडक्टिव स्माइल कह रहे हो इसका मतलब तुम कह रहे हो सेक्सी स्माइल, इसका ये कह रहे हो, अगर स्माइल सेडक्टिव है इसका मतलब सेक्सी है, यानी ब्यूटीफुल है, अच्छा है ना, बहुत ज्यादा आकर्षक, सेक्सुअली अट्रैक्टिव, सेडक्टिव, सेक्सुअली स्मार्ट, मतलब है ना, सेडक्टिव माने सेक्सुअली अट्रैक्टिव, ठीक है। हम बोले कि या हर स्माइल इज सेडक्टिव, ठीक है,
उसके जो स्माइल है वो सेडक्टिव है। वो कैसे है? सेडक्टिव। हर स्माइल इज सेडक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा आकर्षक है ना, हर फेस इज सेडक्टिव, मतलब जो भी चीज है। तो आपने देखा किस तरीके से सारे वर्ड्स को है। अब आपका काम है इसको फैलाना, इसको बिल्कुल शेयर करना। और मैंने आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि अब बहुत सारी चीजें मैं कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की चीजें मैं अपने चैनल पे लाऊंगा, एक दो दिन में ही लाने जा रहा हूँ। और काफी कुछ चीजों को मैं पढ़ाऊंगा, वोकैबुलरीज हो चाहे ग्रामर के रूल्स हो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं मतलब आने वाले दिनों में। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप लोग प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें। और होमवर्क है आपका कि जितने भी वर्ड्स हैं एटलीस्ट 5 वर्ड्स से आप एक एक सेंटेंस जरूर फॉर्म करें अगर आप सीखना चाहते हैं। तो आज भर इतना ही।